गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ठीक है। आज हम ग्रामर में जो आपका जो टॉपिक है कारक और विभक्ति, ठीक है। कौन सा टॉपिक है, क्या नाम है? कारक और विभक्ति, ठीक है। यानी कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज, कारक और विभक्ति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये बताओ कि कारक होता क्या है, क्योंकि हम सिक्स में, सेवंथ में, एट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या होता है कारक? कि जिस शब्द का सीधा संबंध क्रिया से होता है वो कारक कहलाता है, ठीक है। आगे बात समझे कि जहां पर क्रिया से सीधा संबंध होगा वो क्या होगा? कारक, ठीक है। विभक्ति, विभक्ति हमारी कौन सी होती है? जो उनके पर्टिकुलर जो चिन्ह दिए गए हैं वो विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ठीक है। अगर आप सुन में, तो कारक और विभक्ति ये हमारा चैप्टर है, तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। सब ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले है कारक। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। क्या मतलब वही है, ठीक है, कि वाक्य में यानी कि जो वाक्य है वो क्रिया के द्वारा कहा गया है, क्योंकि कोई ना कोई कर्ता तो होगा, और कर्ता है तो उसमें क्या होगी? क्रिया भी होगी। करोति इति कारकम, अर्थात जो करने वाला है क्रिया को वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है, ठीक है। क्रिया जनकत्वम कारकम, यानी कि क्रिया का जो जनक है वही कारक है, ठीक है। किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। किसके संपादन में सहायता करने वाले? भाई क्रिया के, ठीक है। क्रिया के, क्रिया को पूरा करने में जिसकी सहायता होती है वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। बहुत सारी विभक्तियां, यानी कि डेफिनेशन हम इसमें कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई एक परिभाषा नहीं है इसकी, ठीक है। क्रिया करोति निर्वर्त्येति कारकम, क्रिया को करने वाला ही कारक कहलाता है। जैसे यहां पर दे रखा है, हे बालका निरपस्य पुत्र ययाति स्वभावने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्यः। अब इसमें देखो कई विभक्तियां हैं, इसमें ये एग्जांपल है कोई, ठीक है। हे बालका, हे बालक, निरपस्य राजा के पुत्र, पुत्र ययाति जो देता है स्वभावने अपने भवन से, यानी कि राजा का पुत्र अपने भवन से, कोशात, कोशात का मतलब होता है जो धन होता है, ठीक है ना, जिसको कोष भवन कहते हैं। स्वहस्तेन अपने हाथ से याचकेभ्यः मांगने वालों को धनं ददाति, ही धन देता है। किसका पुत्र? राजा का पुत्र। अब इसमें विभक्तियां हैं, यहाँ पर षष्ठी आ रही है, यहाँ पर प्रथमा आ रही है, यहाँ पर सप्तमी आ रही है, यहाँ पर पंचमी है, यहाँ पर तृतीया है, यहाँ पर चतुर्थी है, तृतीया भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी क्या है? विभक्तियां ही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से दे रखा है, देखिए, देखो कह कह ददाति ययाति में क्या है भाई? कर्ता, कर्ता कौन है? कह ददाति कौन देता है? राजा का पुत्र दे रहा है, क्वेश्चन आ गया ना, यानी कि जहां पर क्वेश्चन आएगा वहां पर क्या होगा भाई? कारक बनेगा, ठीक है। अब यहां पर है प्रथमा विभक्ति है, कह ददाति, कह में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, क्लियर। किम ददाति, क्या देता है? धनम, धन को देता है, धन को देता है। तो धनम में यहां पर कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, ठीक है। आ रहा है ना कि कर्ता ने यह कर्म को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। अब क्या आ जाएगा? कारण से, क्लियर, या से या द्वारा। यहां पर है केन ददाति, किसे देता है, किससे देता है भाई? वो अपने हाथ से दे रहा है, स्वहस्तेन केन ददाति। अब यहां पर केन में तृतीया विभक्ति है, तो हस्तेन, हस्तेन में करण कारक है और तृतीया विभक्ति है, कि वह दान अपने हाथ से देता है, ठीक है। आ रहा है ना,
प्रथमा विभक्ति भी आ रही है और आपको कारक का पता लग रहा है, कर्ता ने कर्म को कारण से। साथ साथ देखो केबे दराती, केबे दराती भाई क्या आएगा, किसको देता है, किसको दे रहा है वो, या चको ना मांगने वालों को, या केब है यानी कि मांगने वालों को वो धन देता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, क्लियर। यहां पर कौन सी विभक्ति हो गई, चतुर्थी विभक्ति हो गई, ठीक है। कस्मात् ददाति, किससे देता है, ठीक है, किससे यानी कि कोई चीज है जो उठाकर दे रहा है, वो अलग कर रहा है उससे, कर रहा है ना, कि वो कोष भवन है, धन का एक कमरा है, भवन है, वो कक्ष है, तो वहां से वो धन को उठाकर अलग कर उसको दे रहा है। यहाँ पर अलग हो रहा है और अलग होने के योग में कौन सा है, अपादान दे रहा है, ठीक है। और कस्मात में कौन सी विभक्ति है, पंचमी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या आ गई, पंचमी विभक्ति। कुत्र ददाति, कहाँ देता है, स्वभवन में, अपने भवन में। कौन सी विभक्ति आ गई, मे पर कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी, ठीक है। और कारक कौन सा होता है, अधिकरण कारक, ठीक है, क्लियर। अब देखो आगे, यहां नृपति आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध है भाई, सबका किसी ना किसी के साथ संबंध है ना। मैंने शुरू में यही बताया था कि क्रिया के साथ कर्ता का जहां संबंध होता है वहां पर कारक बनता है, ठीक है। हम डेफिनेशन को सभी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर, यहां नृपति आदि पदों का क्रिया के साथ क्या है, संबंध है ना, संबंध। अतः ये क्या हो गए, हमारे कारक, ठीक है। संस्कृत में संबंध तथा संबोधन को क्रिया से सीधे संबंध न होने के कारण कारक नहीं माना जाता, ठीक है। हमारे दो कारक है, एक है हमारा संबंध और दूसरा है हमारा संबोधन। इनका जो संबंध होता है वो सीधा क्रिया से नहीं होता, कहने का मतलब समझ गए। अब जैसे भाई मैंने यहां पर लिखा कि यह राम की पुस्तक है, यह राम की पुस्तक है, भाई राम का तो पहले पुस्तक से संबंध है ना, सीधा क्रिया से थोड़ी है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हम इसको क्या नहीं मानते, संस्कृत में इसे कारक नहीं माना जाता। संबोधन को भी, क्योंकि संबोधन तो वर्ड होते हैं, हे अरे पुकारने के लिए यूज में आते हैं, ठीक है। तो जहां पर क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता संस्कृत में उन्हें कारक नहीं मानते हैं। और कौन कौन से वो दो कारक है, संबंध और संबोधन, क्लियर, ठीक है। अब देखिए इस वाक्य में निरपस्य पद का ययाति कर्ता से संबंध है कि राजा देता है या राजा का पुत्र देता है, किंतु क्रिया ददाति से सीधा संबंध नहीं है, उससे सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि भाई राजा का जो पुत्र है वो दे रहा है धन, तो वही दे रहा है दान, तो राजा नहीं दे रहा, राजा का क्रिया से क्या है, सीधा संबंध नहीं है ददाति से, ठीक है। इसी तरह हे बालका का भी क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, हे बालक अरे इधर आओ, हे संबोधित है, क्योंकि उसका सीधा किससे संबंध नहीं है भाई, क्रिया से। अर्थात जहां पर क्रिया का सीधा संबंध नहीं होगा उन्हें हम क्या नहीं मानते, कारक, और कहां पर, संस्कृत में, क्लियर। अब देखो इस तरह कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान तथा अधिकरण ये हमारे कितने कारक हुए, छह, ठीक है। संस्कृत में कितने कारक माने गए हैं, छह कारक माने गए हैं। क्लियर। अब देखो सबसे पहला जो हमारा कारक है, कारक और विभक्ति, ठीक है। अब भाई हमने पढ़ा है तो अब हमें यह भी तो आना चाहिए, ठीक है, कि कर्ता कारक क्या होता है। मैंने बता दिया कि कारक के, कारक हमारे कितने होते हैं संस्कृत में,
छः, ठीक है, और विभक्तियां कितनी होती है, सात। क्लियर। अब देखो, अब यहां पर सबसे पहला जो हमारा कारक है वो कौन सा कारक है, कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक है यहां पर हमारा। क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं होती, कहां पर, क्रिया के लिए, ठीक है, क्रिया के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो क्या होता है भाई, क्रिया स्वतंत्र, ठीक है, जो कर्ता होता है वो स्वतंत्र होता है, ठीक है, उसके लिए को का के कुछ नहीं आता उसमें, ठीक है। अब यहां पर रूप से करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, जैसे यहां पर एग्जांपल दे रखा है हमने, ग्रीस है पुस्तकम पठति, यहां पठति क्रिया को करने वाला क्या है, ग्रीस है, अतः यह कर्ता कारक है, क्योंकि ग्रीस है वो स्वतंत्र है, वो पुस्तक पढ़ भी सकता है, अगर वह सुन ले, उसके लिए ये नहीं कहेंगे आप, ग्रीस में यहां पर कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, प्रथमा ही है ना, और कारक कौन सा है, कर्ता, ठीक है, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, कौन सी, प्रथमा, क्लियर। अब है यहां अतएव यह कर्ता कारक है, ठीक है, जैसे यहां हमने लिख दिया मोहन है ग्रहम गच्छति, ठीक है, अगर आप सुनने, उसी प्रकार है यहां पर हमारा है कर्म कारक है, कर्म क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक, सर्वाधिक का मतलब क्या होता है, सबसे अधिक, सबसे अधिक अभिष्ट, अभिष्ट का मतलब होता है जिस चीज को सबसे अधिक वो चाहता है, ठीक है, जिसकी सबसे अधिक उसकी इच्छा है, अभिलाषा है, को हम कर्म कारक कहते हैं। आगे बात सुन ले कि क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक जो अभिष्ट उसकी इच्छा है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। यहां पर दिया हमने ग्रीस है पुस्तकम पठति, ठीक है, आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन यहां पर देखो, यहां पठन क्रिया के संपादन में कर्ता ग्रीस के लिए पुस्तक सर्वाधिक अभिष्ट है, ठीक है, सर्वाधिक यानी कि भाई वो क्या करना चाहता है, पुस्तक पढ़ना चाहता है, ठीक है। पहले में तो हमने क्या देखा था, कर्ता देखा था, कर्ता कौन था, ग्रीस, वो स्वतंत्र था, वो पढ़ भी सकता है नहीं भी पढ़ सकता, अगर वो सुन ले। अब कर्म में हमें क्या देखना है कि वो क्या पढ़ना चाहता है भाई, उसका क्या कर्म है, क्या कर रहा है वो, ठीक है। अब है कि यहां पर जो ग्रीस है वो क्या करना चाहता है, और पुस्तक उसका क्या है, अभिष्ट है, यानी कि सबसे अधिक उसकी सर्वाधिक क्या इच्छा है, अभिष्ट है वो, यानी कि यहां पर वो पुस्तक को पढ़ना चाहता है, ठीक है। अतः यहां पर कौन सा कारक हो गया भाई, कर्म कारक, पुस्तक में कौन सा कारक है, कर्म कारक। क्लियर, डाउट किसी को, पता लग गया ना कि पुस्तकम है तो यहां पर कर्म कारक है, क्यों के, क्योंकि ग्रीस क्या है, सर्वाधिक भाई वो तो पुस्तक पढ़ना चाहता है, उसकी इच्छा है, ठीक है, सर्वाधिक अभिष्ट है वो। अब यहां पर, अब जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया, जैसे एग्जांपल दिया मैंने, बालक है फलम खादति, ठीक है भाई, बालक जो है वो फल को खाना चाहता है ना, फलम खादति की बालक फल को खाता है, वो खाना चाहता है वो फल, ठीक है। तो यहां पर भी क्या हो गया, अभिष्ट, यानी कि फलम में कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीय और कर्म कारक, ठीक है,
अब देखिए, अब है यहाँ पर थर्ड कारक कौन सा है हमारा, कौन सा कारक है? परण कारक में कौन सी भक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कारक कहते हैं। क्रिया की सिद्धि में, यानी कि क्रिया जहां पर सफल होती है, सिद्ध होती है, उसकी सिद्धि में कर्ता जो प्रमुख है, सहायक है, यानी कि सहायक है वो, ठीक है। जैसे साधक तम करणम, तो क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है वहां पर हमारा कौन सा कारक होता है? करण कारक। और विभक्ति कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है यथा, जैसे गौरी जले मुखम प्रक्षालयति, गौरी यानी कि जो गौरी है, जले जल से मुखम, मुख को प्रक्षालयति, धोती है या धो रही है, ठीक है। तो सबसे अधिक सहायक क्या है इसमें? भाई जली है ना, अगर मैं जल को काट दू तो क्या सेंटेंस निकलेगा? गोरी मुख धोती है, तो वो तो कर्म हो जाएगा हमारा, राइट ना, ठीक है। लेकिन वो क्या धो रही है भाई? मुख, यानी कि जल से वो मुख को धो रही है। तो जल इसमें जो है वो क्या है? सर्वाधिक सहायक। और जहां पर सर्वाधिक सहायक होगा वहां पर कौन सी विभक्ति होगी और कारक? अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर ये जलेन क्यों आया, ठीक है, जलेन यहाँ पर कैसे आया? क्योंकि संस्कृत में जो शब्द रूप हमने बालक का शब्द रूप याद कर रखा है, क्या बनता है उसमें? बालकेन बनता है, बनता है ना, प्रथमा में बना, बालक है बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन, उसी प्रकार क्या बना? जलेन, ठीक है। क्योंकि अकारांत जितने भी शब्द रूप होते हैं, ठीक है, अकारांत जितने भी शब्द रूप होते हैं वो सारे बालक के अकॉर्डिंग चलते हैं, पहले मैं बता चुकी है, ठीक है। तो इजी है, तो जलेन देखकर हम पहचान लेंगे कि ये यहां पर हमारी कौन सी भक्ति है, कारक कौन सा है? करण कारक है, क्लियर। अब यहां प्रक्षालन क्रिया का प्रमुख सहायक क्या है भाई? जल है, अतः जल यहां पर क्या है? करण कारक है, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, सह पादेन चलती, वह पैर से चलता है, ठीक है, या हम यहां पर पादाभ्याम कर दे कि वह पैरों से चलता है, ठीक है। पद, पद का मतलब क्या? पैर, ठीक है। अब यहां पर सबसे अधिक सहायक क्या है? क्या है सबसे अधिक सहायक? पैर है ना, कि वो भाई किससे चल रहा है? पैर से चल रहा है। तो यहां पर कौन सी भक्ति हो जाएगी हमारी? और कारक कौन सा हो जाएगा? करण कारक, क्लियर आ गया सुन में, ठीक है। अब देखो, अब अगला कारक है हमारा कौन सा है भाई? ये संप्रदान कारक, जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, ठीक है, या किसी के लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं या किसी को कोई दान दे रहे हैं, अगर मतलब सुन में, ठीक है। तो वहां पर संप्रदान कारक होता है, और संप्रदान कारक में कौन सी भक्ति होती है? चतुर्थी भक्ति होती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जैसे एग्जांपल दे रखा है, वागीश है मित्राय लेखनीम ददाती, वागीश है, वागीश जो है मित्राय, मित्र को या मित्र के लिए, लेखनी, लेखनीम यानी कि पेन, ददाती यानी कि देता है, दे रहा है ना वो, हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया कि जिसे कुछ दिया जाता है, ठीक है, जिसे कुछ दिया जाता है। अब यहां पर मित्राय है, हमने बालक का शब्द रूप याद कर रखा है, क्या बनता है उसमें? बालकाय, यही बनता है ना कारांत में, और यहां पर क्या बना है? मित्राय, ठीक है। तो अब यहां पर
चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, अब इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, अतः मित्राय संप्रदान कारक है। इसी तरह माता बालकाय फलम आनयति। ठीक है, माता जो है, माता बालकाय फलम आनयति, माता जो है वह बालक के लिए क्या लेकर आ रही है? फल ला रही है ना। अब बालकाय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी है। ठीक है, सेम है, पहचानने की ट्रिक होती है कि जहां पर आर जुड़ता है तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, जहां पर एन जुड़ता है तो वहां पर तृतीय विभक्ति होती है, जहां पर कम जुड़ता है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है, और जहां पर कुछ नहीं जुड़ता प्रथमा में, वहां पर प्रथमा विभक्ति होती है। यही है ना, पढ़ाया ना पहले बालक का शब्द रूप। ठीक है, तो अब यहां पर कौन सी विभक्ति है इसमें भाई? कि माता बालकाय फलम आनयति, कौन सी विभक्ति है? क्लियर? ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारा कौन सा कारक है भाई? अपादान। अब मेरे को ये बताओ, अपादान कारक में ऐसा होता क्या है? क्या है अपादान कारक? क्या होता है अपादान कारक में? जिससे कोई वस्तु या व्यक्ति क्या होता है? अलग। अलग यानी कि पृथक। ठीक है, अलग यानी कि पृथक। पृथक का मतलब ही अलग होना होता है। ठीक है, कि अपादान कारक जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है। ठीक है, अपादान कारक होता है, जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वृक्षात, पेड़ से पत्राणि, बहुत सारे पत्ते हैं क्योंकि एक पत्ता तो है नहीं। पतन्ति क्रिया भी उसके अकॉर्डिंग है। आगे बात सुनने कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब पेड़ से जो पत्ते हैं वो क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। ठीक है, और जहां पर अलग होने का भाव होगा वहां पर कौन सा कारक आएगा हमारा? अपादान कारक। और विभक्ति? पंचमी विभक्ति। ठीक है, अब यहां पर पेड़ से क्या अलग हो रहे हैं भाई? पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। ठीक है, पत्ते यानी कि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। ठीक है, अलग हो रहे हैं वो, तो यहां पर हमारा अपादान कारक होगा। अतः वृक्षात क्या है? अपादान कारक है। क्लियर? वृक्षात में कौन सी विभक्ति है? ठीक है, अब देखो, अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया आपको, मैंने दिया यहां पर बालक है अश्वात पत्ती। बालक है अश्वात पत्ती, बालक घोड़े से गिर रहा है। ठीक है, यानी कि वो घोड़े से क्या हो गया? ठीक है, अगर पत्ती की जगह हम अपतक लगा लेंगे तो भी सही है। ठीक है, अब हमने यहां पर लगा लिया बालक है अश्वात अपतक, कि बालक घोड़े से गिरा, गिर गया वो। ठीक है, अब यहां पर भाई अश्वात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी है ना। ठीक है, क्लियर? ठीक है, और पंचमी विभक्ति है तो यहां पर कौन सा कारक है? ठीक है, अपादान कारक है। ठीक है, तो यहां यानी कि जहां पर कोई वस्तु अलग होगी या व्यक्ति अलग होगा तो वहां पर अपादान कारक होता है। ठीक है, आज हमने कौन से कारक पढ़े? आज हमने कारक पढ़े कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक। ठीक है, यानी कि अपादान पांच कारक आज हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो कल अगली क्लास में हम कौन सा कारक पढ़ेंगे? संबंध और अधिकरण कारक। ठीक है, तो आज के लिए